मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, सचिव अफसा। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अभी जो पखवाड़ा चल रहा है स्पोर्ट्स फिएस्टा का, उसकी शुरुआत 17 को हुई है और आज सेंट एंड्रयूज कर्मयोगी में बास्केटबॉल का आयोजन प्रारंभ हुआ है। 18 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो सभी प्रतिष्ठित स्कूलों में खेला जाने लगा है और बच्चों ने जो जज्बा दिखाया है प्रतियोगिता का, वो काबिले तारीफ है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहने से निश्चित रूप से बच्चों की जो ऊर्जा है उसका संवर्धन हो रहा है और निरंतर इसमें प्रगति की जा रही है। और अगर यही जज्बा बच्चों में रहेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि लोग प्रदेश स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय चित्र पर अपने अपने विद्यालयों का, गुरुजनों का, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर आए हुए जितने भी अफसा डेलीगेट्स हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार करता हूँ। जितने भी ऑफिशियल्स, कोचेज इसको संपन्न कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और जितने बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वो रिजल्ट की चिंता ना करें, बस प्रतिभाग करें। और हर व्यक्ति, हर बच्चा जीतना चाहता है, अव्वल होना चाहता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे प्रयास कितने सच्चे हैं और उनमें कहाँ कोई कमी हो रही है। उन कमियों को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे द्वार पे खड़ी मिलेगी। अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा, अफसा का कल्चरल और लिटरेरी जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 15 को समाप्त हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ और 478 प्राइजेस हमने 39 स्कूलों को दिए। अब 16 तारीख से हमारा अफसोस व्यवस्था चालू हो गया है जो कि 27 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्री पब्लिक स्कूल में होगा। और जैसा हमें उम्मीद है, करीब 6,500 से ज़्यादा जो है वो बच्चे यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज बास्केटबॉल सेंट एंड्रयूज में हो रहा है जो कि हर स्कूल की एक टीम होती है और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जैसा बताया गया है कि 23-24 स्कूल की टीमें ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।